हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एक्स वाई जेड। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग के बारे में आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। हम लेसन पहले ही स्टडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? तो हमने पढ़ा था, द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हैबिटेट, देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। जो एनिमल होता है वो अपने हैबिटेट पे डिपेंड रहता है, खाने के लिए, पानी के लिए, एयर के लिए, घर के लिए और भी चीज़ों के लिए। द हैबिटेट मीन डिवेलिंग प्लेस, जहाँ पर वो ईजिली सर्वाइव कर पाता है उसी को उसका हैबिटेट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ आर कैक्टस अडेप्ट टू सर्वाइव इन डेजर्ट? तो कैक्टस में क्या एडेप्टेशन आ चुकी है जिससे वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है? तो नो लीव्स एंड स्पाइन्स, स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो उसके ऊपर लीव्स नहीं होती है, जो लीव्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है ताकि ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस कम हो। स्टेम इज मॉडिफाइड इन सच वे दैट द परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर। स्टेम पानी को कंजर्व करता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होती है। रूट जो होती है बहुत डीप गई हुई होती है सॉइल में ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, चूंकि यहाँ पे वाटर कम होता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। ऐसे स्पेसिफिक फीचर जो किसी प्लांट या एनिमल को उस हैबिटेट में रहने के लिए ज़रूरी होते हैं तो उनको कहते हैं एडेप्टेशन। द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड हैबिटेट। जो लैंड पे रहते हैं उन एनिमल्स का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल वाटर में रहते हैं उनका कौन सा हैबिटेट होता है? एक्वेटिक हैबिटेट। द सॉइल, वाटर एंड एयर आर डैश फैक्टर ऑफ अ हैबिटेट। सॉइल, वाटर और एयर हैबिटेट के कौन से फैक्टर है? बायोटिक और अबायोटिक। ये अबायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट है, द चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। हमारे सराउंडिंग में जो चेंजमेंट होता है उसके लिए जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किसी भी चेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करने को स्टिमुलाई कहते हैं। विच ऑफ द थिंग इन फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। इन इस लिस्ट में से कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग्स हैं? तो प्लग, मशरूम, स्विमिंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, हाइनेट और अर्थवॉर्म। इनमें से कौन कौन सा नॉन लिविंग है? तो प्लग, स्विमिंग मशीन, रेडियो, बोट एंड वाटर आर नॉन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शो एनी टू करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ऐसी नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल बताना है जिसमें दो लिविंग थिंग के करेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लाउड की, एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज क्लाउड विच शो फॉलोइंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, इट्स ग्रो इन साइज, इट्स शो मूवमेंट। तो क्लाउड्स मूवमेंट भी शो करते हैं और साइज में भी ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स? बटर, लेदर, सॉइल, वुड, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, साल्ट, एप्पल और रबर। इनमें से ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें से कौन से जो है कभी लिविंग थिंग्स के पार्ट थे? तो बटर पहले लिविंग थिंग का पार्ट था, यानी काऊ में से मिल्क आया था, उससे बटर निकला था। लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर आर नॉन लिविंग थिंग विच वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। ये सब ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट थे। लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं? लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, लिविंग थिंग्स मूवमेंट कर सकती हैं,
लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं, यानी अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं यानी ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब स्टिमुलाई, हम किसी भी चीज को या किसी भी चीज पर स्टिमुलेट होते हैं, और एक्सक्रिएशन यानी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स ये सब करैक्टरिस्टिक शो करती है। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइव इन ग्रासलैंड और प्लांट्स एनिमल्स दैट लिव देयर। तो ग्रासलैंड हैबिटेट में जो एनिमल रहते हैं उनके लिए स्पीड इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ग्रासलैंड्स में एनिमल अपने आप को हाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्रीज होते हैं वहाँ पे कि एनिमल अपने आप को हाइड कर सकते हैं। व्हेन देयर एनिमीज अटैक दे हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस। जब उन पे कोई एनिमी अटैक करता है तो उनको सेफ प्लेस पे पहुँचना होता है, यानी किसी पेड़ के ऊपर छुपना होता है, तो उसके लिए उन्हें बहुत तेज भागना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। इफ दे फेल दे लूज देयर लाइफ, सो द स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रासलैंड। तो इसीलिए ग्रासलैंड पे स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हिरन को शेर से बचना होता है तो उसे बहुत तेज भागना पड़ता है ना। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।